बीरपुर विधायक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। बड़ी खबर आपको बता दें भागलपुर से, जहां भागलपुर नौगछिया बीरपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को ग्रामीणों ने घंटों बंधक बनाकर रखा। बता दें कि नौगछिया खरीक प्रखंड के लोकमानपुर पंचायत सिकुंड गांव में कटाव निरोधी कार्य की मांग को लेकर बीरपुर विधायक शैलेंद्र को बंधक बनाया गया। विधायक लोकमानपुर पंचायत के सिकुंड गांव में विधायक मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सभा करने गांव पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव में कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक विधायक को गांव से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। 2 महीना से लगातार मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 8 साल कल्याण योजना के तहत जनसभा जो होना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 8 साल में किया हुआ कार्य है उस कार्य को बताने के लिए हम नुक्कड़ सभा हर गांव में करते रहे थे और लगातार अपने पूरे विधानसभा में लगभग 30 से 35 नुक्कड़ सभा हम कर भी चुके हैं। पिछले 2 दिन पहले हम गए थे लोकमानपुर, वहाँ भी किए थे। उसी का ये गाँव है पंचायत लोकमानपुर का, इससे कुंड है और सेकुंड में आज हम अचानक आए थे, सब कार्यक्रम किए भी, सरकार के उपलब्धि को बताए भी, सबों ने सुना भी, लेकिन अचानक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ग्रामीण जो है हमको घेर लिए और कटाव निरोधी कार्य जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आपको जाने नहीं देंगे। 20 साल में मेरे साथ ये पहली घटना है जब आम जनता जो यहाँ के लोग पीड़ित हैं उन्होंने मुझे नज़रबंद कर दिया। ये लोकमानपुर के आज़ाद नगर के एक मध्य विद्यालय, प्राथमिक मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है आज़ाद नगर, और हमको तब तक इन्होंने कहा है कि आपको नहीं जाना, जब निरोधी कार्य नहीं शुरू हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं पूरा कोशिश किया, यहाँ जो विधानसभा के अंदर में मैंने हाउस में सरकार को बताया है, अपने संबंधित विभाग के जो मंत्री है उनके माध्यम से मान्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कहा, लेकिन किसी कारणवश सिकुंड, लोकमानपुर, मैरचा, अवनपुरा, गोविंदपुर, मुसहरी और कहारपुर, घोड़ियादारपुर का काम शुरू नहीं हो सका। लोग काफ़ी उत्तेजित थे और पुलिस बल मेरे साथ थी, लेकिन मैं सोचा कि जनता हमको विधायक बनाया है। अरविंद कुमार, ब्यूरो भागलपुर, बिहार, R9 भारत।